हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आप इनका जो है हेयर लेंथ देख सकते हैं, लंबा ज़्यादा नहीं है, बट इस पर मैं बहुत ही खूबसूरत सा हेयर कट करूँगी, जिससे कि ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होगा और साथ ही साथ बहुत सुंदर सा बाउंसी लुक भी आ जाएगा। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं स्टेप्स डालूँगी, जिससे अनगिनत स्टेप्स होंगे और लुक बहुत ही प्यारा आएगा। तो कटिंग करने के पहले सेम वही प्रोसेस रहता है, अप्रॉन पहनाना और उसके बाद में हेयर को गीला करना। तो मैं ऑलरेडी बालों को पहले से ही गीला कर चुकी हूँ। तो उसके लिए हमें करना क्या है, बालों को नीचे की तरफ अच्छे से कोम करते हुए लेके आना है। और अभी जो है मैं बालों को थोड़ा थोड़ा सा नीचे से बराबर कर रही हूँ, तो जितना भी ऊपर नीचे है उसको मैं कट कर दूँगी इस तरीके से, बिल्कुल एक एक इंच के लगभग मैं इसको निकाल रही हूँ। तरीके से नीचे से बराबर कट कर देना है जितना लंबा हो गया है नीचे का। इस तरीके से ये देखिए बराबर कर लूंगी। इससे क्या रहता है कि जब हम कटिंग करते हैं तो प्रॉपर समझ में आता है कि हाँ यही हेयर है, और गाइडलाइन भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आती है। तो इसको जो है देखिए मैं कट कर ली हूँ, और कटिंग जो है बैक से ही स्टार्ट करूँगी, बाद में मैं फ्रंट तरफ करूँगी। तो सबसे पहले हम अपना बेस तैयार करेंगे, और उसके लिए हमें क्या करना है आप देखिए, ऊपर से मैं थोड़े से हेयर को उठा रही हूँ, बॉक्स पार्टिंग कर रही हूँ, इसको हम बॉक्स पार्टिंग बोलते हैं। थोड़े से हेयर को उठा लेना है तरीके से, और बिल्कुल ऊपर की तरफ अच्छे से कोम कर लेना है बालों को। ध्यान दीजिएगा कि मैं अपने हाथ का मूवमेंट कैसे करती हूँ, और कोम करते हुए बालों को जो है सामने की तरफ लेके जाना है। ये देखिए मैं बिल्कुल जो फेस की तरफ उनके ले जा रही हूँ, और बिल्कुल देखिए यहाँ पे एक एक इंच में कट कर दी, क्योंकि हेयर ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। मैं आपको और पास से दिखा देती हूँ, सामने की तरफ ले जाना है और कट कर देना है। तो ये हमारा क्या हुआ, गाइडलाइन रेडी हो गया, और इसी से मैं तीनों तरफ के लिए थोड़े थोड़े हेयर्स को निकाल लूँगी। इस तरीके से निकाल लेना है, और जो बचा हुआ हेयर है उसको मैं क्लिप कर दूँगी। बालों को अच्छे से सुलझा लेंगे, और अब मैं कटिंग करूंगी कान के पास का। तो इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए पार्टिंग बिल्कुल क्लियर रखेंगे, कहीं भी ऊपर नीचे हेयर आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे तो आप उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, और इस तरीके से अच्छे से कोम करते हुए इसको भी सेम जैसे हम बॉक्स पार्टिंग वाले लेयर को ले गए थे, इसको भी वैसे ही ले जाएंगे और कट कर देंगे। ये देखिए गाइडलाइन को देखते हुए इसको भी कट कर देना है, और कितना कितना कट हो रहा है वो आप देख सकते हैं। और ये वाला हेयर कट आप चाहे जितने लंबे बालों पर करें, चाहे जितने छोटे बालों पर करें, सभी पर बहुत अच्छा लुक देता है ये। तो देखिए इनका हेयर तो काफ़ी शॉर्ट है, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, बट इस पर भी बहुत प्यारा लुक देगा। तो लॉन्ग शॉर्ट दोनों टाइप के हेयर पे आप इसको कर सकते हैं, और सेकंड वाली लेयर को भी सेम वैसे ही करना है, सामने की तरफ ले जाना है और गाइडलाइन को देखते हुए कट कर देना है। तो ये एक तरफ का हो चुका है, और इसी तरीके से मैं इस तरफ वाले को भी करूँगी। तो जिन लोगों ने मैं ये देखिए इस तरीके से कर लेना है, और जस्ट मैंने कान के पीछे से हेयर निकाले। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हेयर घने हैं, अच्छे थिक हैं, तो आप कान के पीछे से लेयर को लेंगे, और अगर थोड़ा कम है तो जस्ट कान के ऊपर से, और बहुत ही कम है तो कान के सामने से। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ईयर के पीछे से ली हूँ, क्योंकि इनके जो हेयर है काफ़ी अच्छे हैं, घने हैं, और इसको भी मैं जो है गाइडलाइन को देखते हुए इस तरीके से कट कर दे रही हूँ।
तो देखिए जो लेयर कट की हूँ उससे भी आपको निकालना है गाइडलाइन। जैसे ऊपर वाला मैं पहले कट की ऊपर बॉक्स वाले गाइडलाइन के हिसाब से, और उस जो फर्स्ट लेयर कट की वहाँ से भी एक गाइडलाइन निकाल के सेकंड वाले लेयर पे मिक्स कर लूँ जो अभी मैं कट कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है, जिस लेयर को आप कट करते जाएंगे उस लेयर से आपको गाइडलाइन निकालना ही है। तो ये दोनों तरफ का जो है ईयर टू ईयर वाला हो चुका है, और अब मैं पीछे साइड का करूँगी। तो पीछे साइड का करने के लिए भी हम गाइडलाइन निकालेंगे, जो हेयर मैं कट कर चुकी हूँ वहाँ से गाइडलाइन को निकालेंगे। वो कैसे निकालना है वो आपको दिखा रही हूँ मैं। पहले जो है सेंटर से पार्टिंग कर लेंगे, बीच से हाफ एंड हाफ डिवाइड कर लेंगे बालों को टू सेक्शन में इस तरीके से, और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए कैसे करना है, आधे बालों को नीचे और आधे बालों को ऊपर। बहुत ध्यान देंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और स्टेप्स कट वगैरह जब तक आप अच्छे से नहीं करेंगे तो इसमें तो इस तरीके से आपको करना ही पड़ेगा, वरना फिर वो लुक नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो ये कोई सिंपल सा कट नहीं होता है जो आपको मतलब बिल्कुल एक ही बार में समझ में आ जाए। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप एक बार में भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है स्टेप्स वगैरह में, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है जैसे कि लोग बोलते हैं और इजी वे में सिखाओ। तो स्टेप्स जो है इससे ज़्यादा और इजी वे में क्या हो सकता है, आपको सुंदर लुक चाहिए होता है बट वो लुक नहीं आता है जो आना चाहिए। तो कम से कम आपको अच्छा सा एडवांस लुक देना है, तो उसके लिए जो है आप मिक्सिंग करके हेयर कट नहीं करेंगे तो फिर उसमें वो बात नहीं रहेगी, और देखने में भी वो उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा भी नहीं। तो उसके लिए आप जब कटिंग करते हैं तो आप इतना अच्छे से करें कि आपका क्लाइंट्स बिल्कुल खुश होकर आपके पास से जाए। तो देखिए अब नीचे का भी मैं सेम वही सारे लेयर्स को आपको सामने की तरफ ही लेके जाना है और कट कर देना है इस तरीके से। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा था आप दो बार तीन बार जितनी बार चाहे आप उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो यहाँ से भी देखिए मैंने आधे बालों को ऊपर उठा लिया है, और इसको मैं अपनी गाइडलाइन के हिसाब से जो गाइडलाइन मैंने बॉक्स पार्टिंग के समय पे निकाली थी उसी के हिसाब से मैं इसको कट कर दूंगी। और देखिए उस लेयर को काटने के बाद वहाँ से मैंने थोड़े से हेयर को निकाला और नीचे वाले लेयर पे मिक्स कर लिया, और इसको भी वैसे ही देखते हुए मैं कट कर दूंगी। तो कितना इजी है, बस गाइडलाइन लेना है, कट करना है, फिर गाइडलाइन मिक्स करनी, फिर कट करना है। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, अगर आपके पास गाइडलाइन है आपको डरने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए मैं सबसे पहले बॉक्स पार्टिंग पे गाइडलाइन करना बताई हूँ, उसके बाद ईयर टू ईयर किया मैंने, उसके बाद पीछे का। तो अब देखिए कैसे करना है, इस तरीके से सारे बालों को एक बार ऊपर की तरफ ले जाना है इस टाइप से, और अच्छे से रीचेक कर लेना है। ये रीचेक करना होता है सारे बालों को एक साथ में उठा के, और थोड़ा सा भी जैसे लगे तो उसको वहीं पे कट कर। देखिए कितना अच्छा सा स्टेप्स आ गया और बिल्कुल ऊपर तक सुंदर सा लुक दे रहा है, और ये कैमरे से भी ज़्यादा रियल में अच्छा दिखता है। और देखिए सारे बालों को मिक्सिंग करनी बहुत ज़रूरी होती, पहले दो भागों में डिवाइड करके मैं बताई आपको, उसके बाद में आप एक साथ में मिक्स करके इस तरीके से चेक कर लेंगे और इवन कर लेंगे। तो देखिए कितने सारे स्टेप्स आ गए, बिल्कुल अनगिनत स्टेप्स हैं इसके। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही एक छोटी सी बेल आइकन होती है उसको भी क्लिक कर लें। बेल आइकन क्लिक करने से यही होता है कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी, और वीडियो आप बिल्कुल टाइम पर देख पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, अब मैं फ्रंट का करने वाली हूँ। तो फ्रंट के लिए सबसे पहले वही सेंटर का मैं निकालूंगी जो टी जोन होता है हमारा, दोनों तरफ के बालों को मिक्स करते हुए निकालना है। और बिल्कुल बराबर कट कर दूंगी यहाँ पे, ये देखिए। अब दोनों तरफ गाइडलाइन कर लेंगे, हाफ एंड हाफ डिवाइड कर लेंगे जो कट की में लेयर को, और उसके बाद में इस तरीके से करूँगी क्योंकि सामने का थोड़ा शॉर्ट रखना है मुझे इनका। तो लॉन्ग और शॉर्ट तो आप अपने क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग ही रखेंगे जैसा वो बोलेंगे, और जिस टाइप से हेयर होंगे उसी हिसाब से हेयर कट भी होगा।
अगर छोटा है तो फिर उसी हिसाब से करोगे, अगर लॉन्ग है और क्लाइंट्स बोलता नहीं शॉर्ट नहीं करवाना है तो फिर आप लंबे में भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लुक देता है ये। मैं हर टाइप के हेयर पे इस कटिंग को करके देखी हूँ, दी हूँ अपने क्लाइंट्स को। बहुत खुश होकर लोग जाते हैं और बहुत पसंद करते हैं इस हेयर कट को। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, और सबसे पहले आप डायरेक्टली किसी के ऊपर नहीं करें, पहले घर पे प्रैक्टिस कर लें। जैसे फैमिली में कोई है तो उनके ऊपर आप करें, और उसके बाद ही जो है आप अपने क्लाइंट्स के ऊपर इसको करें। या फिर आप डमी रख सकते हैं, उसके ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, तो इसको मैं हल्का हल्का सा ट्रिम कर दूँगी। तरीके से और एक बार एक साथ में मिक्स करके देख लेंगे। तो अगर मेरे बताने और समझाने का तरीका आप सबको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कम से कम 1000 लाइक ज़रूर देना, दे देना इस वीडियो को, और शेयर करना और कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना कि आप सबको कैसा लगा। इस तरीके से कर लेना है। आप देखिए कितना अच्छा लेयर लुक दे रहा है इसमें। ये इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, स्टेप्स बोल दें, लेयर बोल दें, ये हर टाइप मतलब आप इसको बोल सकते हैं। और आप सारे बालों को देखिए कान के ऊपर से लाना है, ठीक है। सामने से पीछे तक मांग को मैं निकाल ली और कान के ऊपर से बालों को लाई हूँ, और जितना नीचे छूट रहा है उसको आप छूट जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मैं हल्की हल्की सी नोचिंग कर रही हूँ। देखिए बहुत सारे स्टेप्स आ चुके हैं, और ये जब आप इस पर ड्रायर करते हैं या ऐसे ही नॉर्मली भी ड्राई हो जाता है हेयर, आप ओपन करते हैं तो ये बहुत ही सुंदर सा लुक देता है हेयर पे। तो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हेयर कट की वीडियोस डाली हुई हैं, तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। हर वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और मैं हर किसी को यही बोलती हूँ कि हेयर अच्छा रखना है तो अपने हेयर का केयर ज़रूर करें। आप लोग ऑयलिंग हो गया, स्पा हो गया, प्री कंडीशनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आप घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं है कि पार्लर में जाके करें आप, उससे आपका हेयर हेल्दी भी रहेगा। और आप इनको देख सकते हैं मेरी क्लाइंट्स को, ये मेरी परमानेंट क्लाइंट्स हैं, और साथ ही साथ इनका हेयर बहुत जल्दी ग्रोथ भी करता है, और ये हमेशा बहुत जल्दी जल्दी अपना हेयर कट करवाते रहती हैं। इन ये कम से कम जैसे कि 3 मंथ में या 2.5 मंथ में ये अपना हेयर कट ले लेती हैं, क्योंकि जैसे ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है इनको कट करवाना रहता है। तो ये 3 महीने में तो अपना स्टेप्स कट रिपीट करवा ही लेती हैं इस टाइप से, तो 2.5 महीना 3 महीने तो इस तरीके से करते रहती हैं। और आप देखिएगा कि फाइनल में कितना अच्छा लुक आता है इस हेयर कट का। ये देखिए, तो अभी मैं आपको बैक साइड से दिखा देती हूँ। आप लेंथ और देख सकते हैं कि मैंने कितना शॉर्ट किया है। और शेटिंग का मैंने बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, ब्लो ड्राई कर किस तरीके से करना चाहिए। आप रॉड से भी कर सकते हैं और रोलर से भी कर सकते हैं, जो आते हैं आर्टिफिशियल और प्लास्टिक के उससे भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप चाहें तो सारे बालों को उठा के पोनी बना के और उसको राउंड राउंड करके, वो भी मैंने बताया हुआ है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ड्रायर मतलब हेयर सेटिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी अपलोड कर रखी है, हर टाइप से मैंने बता रखा है, तो आप ज़रूर देखें। आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट पे जाएं, देखिए उसको, उसमें आपको हर तरीके का वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी मैं पीछे से हल्का हल्का सा बिल्कुल यू शेप कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट सा, जो जितना भी एक्स्ट्रा दिख रहा है सिर्फ उसको मैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा माइनर सा कट कर रही हूँ, इतना सा बस। तो सेटिंग जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और ये कटिंग का लुक आप सेटिंग नहीं भी करते हैं तो भी ये बहुत अच्छा लगता है। ये इतने सारे इसमें स्टेप्स आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बाउंसी हो जाता है हेयर का लुक। और मैं आपको इनका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। अभी देखिए मैंने कोई सेटिंग नहीं की है, फिर भी आप इनका हेयर देख सकते हैं कितना ज़्यादा घना दिख रहा है अभी, और बहुत सारे स्टेप्स आ गए हैं, और ये रियल में काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है अभी। इस तरीके से क्लिप भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको हाफ क्लच भी कर सकते हैं। और आप सब बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। और मैं इनके हेयर पे जो है रोल सेटिंग करने वाली हूँ, और आगे पीछे बैकग्राउंड को प्लीज़ आप लोग माइंड मत किया करें, क्योंकि पार्लर है तो भीड़ तो रहती है, लोग आते जाते रहते हैं,
और हमें अपना काम करना होता है, आप तो प्लीज़ उस चीज़ को आप बिल्कुल माइंड मत करिएगा। और ये आप देख सकते हैं इनके हेयर का फाइनल लुक, आप सब ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा और कितना ज़्यादा स्टेप्स इसमें आ गए हैं, और मेरी क्लाइंट्स को खास करके बहुत पसंद आया है। तो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना, कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना कि आप सबको कैसा लगा, और आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस कटिंग को और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो मिलती हूँ आप सबको एक नई वीडियो के साथ में, तब तक ले बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, टिल देन बाय, नमस्ते।